नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कटिहार में 5 विदेशी नागरिक हिरासत में लिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसी की सूचना पर 5 संदिग्ध नागरिक पकड़े गए, इनमें से 1 पाकिस्तान और 4 अफगानिस्तान के नागरिक हैं। नगर थाना पुलिस और सीआईडी स्पेशल ब्रांच पूछताछ कर रही है, ठहराव ठिकानों की तलाश की जा रही है। नगर के चौधरी मोहल्ले में ये लोग किराए पर रहते थे। पुलिस अनुमंडल अधिकारी ने कहा कि विदेशी लोगों को हिरासत में रखा गया है और बरामद हुई करेंसी के साथ ही कागजातों की भी जांच चल रही है। ये लोग विदेशी है जी, और यहाँ क्या है नहीं है बाकी हम लोग पता कर रहे हैं। सर ये खबर कहाँ से मिली? इन लोगों के पास काफी करेंसी वगैरह भी मिला है जी, और अभी तक लग रहा है यही लोग यहाँ के नहीं है, लेकिन इसके पास सर गिरफ्तारी हुई है क्या इन लोग की? अभी है, पूछताछ के लिए रखा गया है। पूछताछ के लिए रखा गया है। तो 5 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। राजीव रंजन इस वक्त जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है और शुरुआती तौर पर क्या कुछ जानकारी हासिल हुई है? देखिए, जो जानकारी सामने आई है और लगातार पूछताछ के बाद जानकारी सामने आई है, एसपी विकास कुमार ने ये जानकारी दिया है। सबसे बड़ी सूचना ये थी कि बिना सूचना की ये 5 विदेशी कटिहार में कई वर्षों से छिप छिपाकर किराए के मकान में रह रहे थे, हवाला और सूद का कारोबार कर रहे थे, और जो गुप्त जानकारी मिली उस आधार पर पुलिस ने परसों छापेमारी की, इनके मकान को सील किया और इन लोगों को गिरफ्तार कर नगर थाना लाई। जानकारी लगातार जो इनसे इकट्ठा की गई वो जानकारी सामने आई कि ये अफगानिस्तान के रहने वाले हैं मूलतः, और पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार के कटिहार में इन्होंने प्रवेश किया था और यहाँ से हुई कारोबार से जुड़ गए थे। इनके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, जिसको लगातार कल से ही पूछताछ की जा रही है। 5 विदेशी जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तान से चिन्हित कर लिए गए हैं। जो इनके पास कागजात बरामद हुए हैं वो वीजा और पासपोर्ट के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली है। जो ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड इन्होंने बना रखा था, पश्चिम बंगाल की संगंज अररिया से जुड़ा हुआ बताया जाता है, जो कि फर्जी है। पुलिस ने तमाम पहलुओं को जांच करते हुए एटीएस से संपर्क किया है और भारतीय दूतावास को भी सूचना दिया है। तत्काल पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। एटीएस की टीम पहुंचेगी और लगातार पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। जी राजेश, बिल्कुल। राजीव रंजन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।